हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा? सेट्स। सेट्स में अपन 1.4 एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कर दिया था। अब कुछ एक क्वेश्चन अपने पास थोड़े बहुत हैं, जो उनको मैं आपको बेटा इसमें केवल और केवल ए यूनियन बी और ए यूनियन सी ये सब ही निकालने हैं। फोर को आप कर ही सकते हो, फाइव में बेटा फाइव में भी मैं नहीं बताना, सिक्स में थोड़ा वो था अपने को बताने के लिए। क्वेश्चन नंबर सिक्स में बेटा देख लो, आपको ए बी सी दे रखा है, डी भी दिया हुआ है। इसको मैं सभी को लिख लेता हूँ, इसके सारे नहीं बताऊंगा मैं, बस एक आध क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े बहुत आपको हेल्प की जरूरत है। बी में दिया है 7 9 11 13, 7 9 11 13। सी में दिया है आपको 11 13 15 11 13 15, और डी में दे रखा है आपको, डी में 15 और 17 15 और 17। इसमें देखो आप फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ तक कर सकते हो, आप सिक्स पे आ जाओ, इसके सिक्स पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर सिक्स के सिक्स पार्ट पे आ जाते हैं अपन। 1.4 के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें आपको दिया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप इसको सॉल्व करोगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अपन पहले जो जिसपे ब्रैकेट्स लगा होता है उस पर उसको सॉल्व करते हैं। अपने क्या अपने पास क्या है, बी यूनियन सी। तो पहले नंबर पर आप क्या निकालोगे बेटा, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया, बी और सी के एलिमेंट्स को मिला दो, तो बी और सी ये हो गया। तो बी में अपने पास है 7 9 11 13, और सी में क्या बेटा 11 तो लिख चुके हैं, 13 भी लिख सकते हो, 15 हो गया। अब आपको क्या करना बेटा, ए मैं क्या करते हैं यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन है आपका बेटा, इंटरसेक्शन है यहाँ क्या, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। हमने क्या निकाल लिया बेटा, बी यूनियन सी निकाल लिया। अब आपको क्या बोल रहा है, वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है, मतलब बी यूनियन सी और ए में कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन, मतलब बी यूनियन सी और सेट ए में कॉमन क्या क्या है। तो देखो ध्यान से, बी यूनियन सी हमने ये निकाल दिया, सेट ए दे रखा है, तो इसमें दोनों में कॉमन दिख रहा है 7 7 9 9 11 11, और तो कोई है नहीं, तो 7 9 और 11 ये आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन करने थे आपको, 6 हो जाएगा, 7 6 मैंने कहा 7 हो जाएगा। अब आपको बोला है ऐसे ही 8 में क्या बोला बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी बोला है उसने, क्या बोला, बी यूनियन डी। तो बी यूनियन डी के लिए आप क्या करोगे बेटा, बी यूनियन डी पहले जिसमें ब्रैकेट लगा उसी को सॉल्व करते हैं। तो बी यूनियन डी निकाल दो, तो बी और डी को मिला देना है, तो 7 9 11 13 फिर 15 17 ये हो गया। इसके बाद आपको इस ए के साथ इंटरसेक्शन लेना था बी यूनियन डी का, तो बी यूनियन डी और ए में कॉमन देख लो, 7 है बेटा ए में, 9 भी है 11 भी है, यही मिल रहा है आपको 7 9 11 ये हो गया। इसके बाद 9 में क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बता देता हूँ आपसे। 9 में बेटा बोला हुआ है आपसे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, क्या बोला बेटा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन नहीं इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आपको क्या करना है, जिसपे ब्रैकेट्स लगा हो पहले उसी को सॉल्व करते हैं। तो आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल दो, ए इंटरसेक्शन बी आप जब निकालोगे बेटा, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन 7 9 11 यही चल रहे हैं, 7 9 11 ये लिख लो आप 7 9 11। फिर आपसे एक ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, दूसरा ब्रैकेट अपने पास आ गया बी यूनियन सी, शायद बी यूनियन सी हमने कहीं निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है देखो, तो 7 9 11 13 लिख लेते हैं, 7 9 11 13 15। अब क्या लेना, इन दोनों में इंटरसेक्शन, मतलब क्या निकाला था आपको, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन
बी यूनियन सी। अब इन दोनों में कॉमन वही चल रहा है बेटा, 7, 9, 11 आंसर तो यही आ रहा अपना। 9th के बाद 10th, 10th में देखो बेटा जल्दी से क्या दिया हुआ है। 10th में बोला ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। देखो तो आप ए यूनियन डी भी कहीं पर निकाल रखे हो, नहीं निकाले हमने कहीं निकाला नहीं है तो निकाल लेते हैं। ए यूनियन डी को निकाल लो बेटा, मतलब ए और डी को मिला देना है। ए में क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गया। इसके बाद डी में क्या है बेटा, डी कहा हमने लिखा हुआ है, डी ये लिखा है 15 और 17 ये लिख दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है, बी यूनियन सी हमने निकाल रखा है, यहाँ पर बी यूनियन सी यहाँ पर है। आपको क्या बोला बेटा, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप क्या करोगे, इन दोनों में कॉमन, तो दोनों में कॉमन क्या होगा बेटा, 7, 9, 11 तो है, 7, 9, 11 हो गया, 15, 20 में आ रहा है, देखो 15 भी कॉमन दिख रहा है, 15 यहाँ पर भी है, 15 यहाँ पे, 7, 9, 11, 15 ये हो गया। तो 7, 9, 11 और 15 ये हो जाएगा आंसर इसका, 6 का। ऐसे आपसे बोला है 7 में बोला है कि आपके पास सेट, वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। किस फॉर्म में दिया बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, तो ये सारे कार्यक्रम करने हैं। तो आपको जब सेट बिल्डर फॉर्म में दे दे तो उसको रोस्टर में बदल लो, क्योंकि रोस्टर में एलिमेंट लिखे होते हैं तो आपको दिखते हैं। रोस्टर में क्या होता है, एलिमेंट लिखे होते हैं तो आपको क्या होता है बेटा, दिखते हैं। तो अपन जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है उसको किसमें चेंज करने वाला हूँ बेटा, अभी रोस्टर में। जब रोस्टर में चेंज कर लूंगा तो फिर अपने पास किसी का भी आंसर आप बता सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, फर्स्ट दिया ए दिया हुआ है कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, नहीं एक प्राकृत संख्या है, मतलब एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ए में क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो तो प्राकृत संख्या है, ए भी नहीं बोला है कहाँ पे रुकना है, बोला तो कुछ नहीं है, तो आप 1, 2, 3, 4 ऐसे चले जाओगे। बी में क्या बोला है बेटा, एक्स ऐसा है कि एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक सम प्राकृत संख्या है। तो इसमें अपन क्या लिख लेंगे, इवन नंबर, इवन नंबर क्या है बेटा, 2, 4, 6, 8 ऐसे मिलेगा, ये ए नहीं है, ये बेटा बी है। ऐसे आपको सी दे रखा है कि एक्स ऐसा है कि एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, एक विषम प्राकृत संख्या है। तो सी में क्या आएगा बेटा, विषम संख्या, ऑड नंबर आएंगे, ऑड नंबर क्या होते हैं बेटा, 1, 2, नहीं 2 नहीं आएगा 3, 5, 7 डॉट डॉट। डी में उसने जो बोला उसको लिख लिया जाए, डी में बोला है बेटा एक्स ऐसा है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है, क्या बेटा एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर है। तो डी में आएंगे जो अभाज्य संख्या, 2 होता है 3 होता है 5 होता है 7 होता है ऐसे चला जाएगा। अब आपसे बोला है, अब निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी बोला है, जल्दी से बोलो, ए इंटरसेक्शन बी में क्या मिलने वाला है बेटा, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। फिर बोला ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन क्या है, ए और सी में कॉमन देखो 1, 3, 5, 7 ये मिल जाएंगे सभी। फिर बोला ए इंटरसेक्शन डी, तो ए में तो सब कुछ है 1, 2, 3 है, तो 2, 3, 5, 7 मिल जाएगा। फिर बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा, किसमें, इसमें इवन नंबर, इसमें क्या ऑड नंबर है। तो बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा बेटा, 5 आएगा, क्या आएगा 5, रिक्त समुच्चय आएगा। फिर बोला बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन, बी और डी में कॉमन केवल केवल क्या मिलेगा, 2 मिलेगा बस, और कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर क्या हो गया, बी इंटरसेक्शन डी हो गया। फिर बोला सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में कॉमन, सो सी और डी में कॉमन मिलेगा 3, 5, 7 और डॉट डॉट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा अपना, ये हो गया सी इंटरसेक्शन डी हो गया। अब ऐसे ही था, अब तो कोशिश में था नहीं, बस ये मेन था कि इसको इस फॉर्म में चेंज करना था,
सेट बिल्डर को रोस्टर फार्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर फार्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर फार्म में, सेट बिल्डर को रोस्टर फार्म में हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया और आंसर अपने आप आ गए। फिर आपको बोला क्वेश्चन नंबर 8 में, बोला निम्नलिखित समुच्चयों युग्मों में से कौन सा युग्म असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है बेटा डिसजॉइंट, उसमें उसने एक नया शब्द यूज किया था, यहाँ पे सही असंयुक्त है। असंयुक्त का मतलब होता है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट की परिभाषा मैंने क्या दी थी बेटा, डेफिनेशन क्या दिया था, यदि दो सेट ए एंड बी आपके हैं, यदि ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या मिल जाए, फाइ मिल जाए, तो ए और बी क्या बन जाएगी बेटा, डिसजॉइंट सेट या असंयुक्त समुच्चय। इसमें आपसे बोला है कि कौन कौन से समुच्चय ऐसे हैं जो असंयुक्त हैं, दो दो समुच्चय सब में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है। फर्स्ट में दिया है बेटा कि 1, 2, 3, 4, 5, फिर एक नेक्स्ट दिया है एक्स ऐसा है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, प्राकृत संख्या एन है, ये हो गया। और उसने कंडीशन लगा दिया एक्स में कि जो 4 और 6 के बीच में होगा, ये बोला हुआ है। इसका बेटा मान क्या आएगा, 4 और 6 के बीच की प्राकृत संख्या लेनी थी, तो बराबर का चिन्ह लगाया तो 4 भी आएगा, आगे क्या हो, कौन सी प्राकृत संख्या है बेटा, प्राकृत संख्या है, तो 5 भी मिलने वाला है, 6 मिलेगा, बस ये मिलेगा और तो कोई मिलेगा नहीं। अब बोला है कि क्या ये दोनों असंयुक्त समुच्चय हैं, क्या दोनों का इंटरसेक्शन फाइव मिल रहा है, क्या दोनों का इंटरसेक्शन फाइव मिला, इंटरसेक्शन मैंने लिया 1, 2, 3, 4 इंटरसेक्शन 4, 5, 6, तो आंसर क्या आ गया बेटा, 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या कॉमन निकल गया, 4 कॉमन निकल गया जो 5 के बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों लिखो, इसलिए ये दोनों युग्म असंयुक्त समुच्चय नहीं है, असंयुक्त समुच्चय नहीं है, 5 के बराबर होता तो बोल देता कि ये डिसजॉइंट सेट है। ऐसे इसमें सेकंड में देखो ए ई आई ओ यू सी डी ई एफ, ई कॉमन आ गया, ई कॉमन आते बोल देंगे डिसजॉइंट नहीं है। फिर बोला है सम पूर्णांक विषम पूर्णांक, थर्ड वाला होगा, एक सम पूर्णांक है, एक क्या है विषम पूर्णांक है, इसी में देख लो बी था सम, सी क्या था विषम, दोनों में कुछ कॉमन आया था, नहीं आया था, तो बी और सी क्या बन जाएगा डिसजॉइंट, ऐसे इसमें दिया हुआ 8 में, ठीक है इसको देख लेना आप। क्वेश्चन तो बेटा मजाक ही होते हैं, क्वेश्चन में तो कुछ भी दिमाग नहीं लगता है। अब 9 पे बात करता हूं, इसमें इसने दिया है यदि ए बी सी डी दे रखा है तो केवल ए माइनस बी, बी माइनस सी, ए माइनस डी, डी माइनस ए, सी माइनस डी, डी माइनस बी किया है, कर लेना, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसमें भी 10th में कुछ भी नहीं है, है कुछ भी नहीं है। इसके बाद 10th में देखना ना, माइनस करना है, दो सेट को दे रखा है, माइनस कर देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 11th में बोला यदि r वास्तविक संख्या और q परिमेय संख्या के समुच्चय हैं तो r माइनस q क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 है, 11 है। 11 बोला है कि r क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है, ये तो हमें पता होता है, री आर्गुमेंट क्या होता था, वास्तविक, वास्तविक संख्या है, आर क्या बेटा वास्तविक संख्या। इसके बाद क्यू पे क्या बोला है, परिमेय, ये बोला था परिमेय संख्या, क्या बोला है वास्तविक और परिमेय बोला हुआ है, आर मतलब रियल नंबर है, क्यू क्या है, क्यू क्या बेटा फ्रैक्शनल नंबर है, ये तो बोलते हैं रेशनल नंबर, सॉरी फ्रैक्शन नहीं रेशनल नंबर, ये दे रखा है। तो उसने बोला है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू क्या होगा, आर माइनस क्यू निकालोगे तो क्या होगा, ये मेन कहानी है। तो आपको याद हो जब मैंने आर को लिखा था तो आर में नंबर नहीं लिखा था, आर में मैंने नंबर लिखा था बेटा, आर में क्या लिखा था, मैंने बोला था कि इसमें परिमेय, परिमेय संख्या भी होती है और क्या होता है बेटा अपरिमेय भी होता है, रेशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ये क्या होता है बेटा आर में, देख लेना जो लिख रहा हूं, माइनस करना है, आर का मतलब क्या, एकदम परिमेय प्लस अपरिमेय, रेशनल प्लस इरेशनल,
नंबर आते हैं किसमें, रियल नंबर में। और हमें माइनस क्या करना है, क्यू का मतलब क्या हो गया, परिमेय। मैं इसको ऐसे लिख दूं कि जो आपको डाउट ना हो। अब देखो इसमें से माइनस कर दोगे तो परिमेय परिमेय क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएगा। तो आंसर क्या मिलेगा आपको, इरेशनल नंबर आएंगे। क्या आएंगे बेटा, अगर जो मैं आर माइनस क्यू करूंगा तो क्या आएंगे बेटा, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं मिलेंगी आप जब आर माइनस क्यू करोगे तो। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है आपसे, बताया कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य या असत्य है, देख लेना। उसमें बोला असंयुक्त है, 2, 3, 4, 5 है, 3, 6 है, 3 कॉमन मिल गया था, असंयुक्त नहीं है मतलब क्या हो गया, फॉल्स है। इसमें बोला है ए कॉमन मिल जाएगा, संयुक्त ये भी फॉल्स है, 2, 2, 4, 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11 ये हो जाएगा ट्रू, थर्ड वाला। और फोर्थ वाला मतलब थर्ड और फोर्थ क्या है, ट्रू है, फर्स्ट और सेकंड क्या है, फॉल्स है। डिसजॉइंट बताना है, क्या बताना है, डिसजॉइंट। अब एक अपने पास है कि बंटन नियम या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको सीखते हैं। इसमें भी है कुछ नहीं, अपने को करने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब 1.4 कंप्लीट हो गया अपना, 1.4 अपना कंप्लीट हो गया बेटा। अब क्या है कि आपको केवल ये देखना है लास्ट में समुच्चयों में बंटन नियम, क्या बोला बेटा, समुच्चयों में बंटन, बांटते कैसे हैं, बंटन नियम। बंटन नियम मतलब क्या होता है बेटा, बंटन क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो इसमें देखो इसमें दो ही होते हैं, ज्यादा तो है नहीं, ए यूनियन बी हो, इंटरसेक्शन ए, फिर से मान लो, नहीं मैंने ऐसे उल्टा लगा दिया था, ए इंटरसेक्शन मान लो, चाहे इंटरसेक्शन मान लो चाहे यूनियन मान, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, क्या बेटा, दो टाइप से है। अब देखो मैं इसको वेन आरेख से सिद्ध करके दिखा भी दूंगा, यहाँ पर वेन आरेख भी आपका रिविजन हो जाएगा। उस पर क्वेश्चन तो आपको मिला नहीं 1.4 में, मैंने बोला ना क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन इसको जो प्रमेय है अपने पास, थ्योरम होती है उनको सिद्ध करने का एक काम करता है। तो अपने पास, आपके पास क्या बेटा, बंटन लगाना, इसमें क्या लगाना, बंटन। तो अपने पास क्या दे रखा है, ए यूनियन, एक ब्रैकेट में क्या लगा था, बी इंटरसेक्शन सी। अब मैं क्या करूंगा, जो कोष्टक के बाहर यूनियन है वो यूनियन बी के साथ भी लगाऊंगा और सी के साथ, मैंने यूनियन को बांट दूंगा, यूनियन क्या बनूंगा, बांटूंगा बी के साथ और सी के साथ। कैसे बांटते हैं इसको देखो आप, इसमें ध्यान से देखना क्या है बेटा, आप लिखोगे ए यूनियन है ना, ए यूनियन बी, क्या लिखूंगा, ए यूनियन बी, फिर मैंने क्या बोला था, इस यूनियन को सी के साथ भी लिखूंगा, तो यहां पर लिखूंगा ए यूनियन सी, क्या लिखा, यूनियन को मैं बांट रहा हूं बी के साथ और सी के साथ, तो ए यूनियन बी, फिर क्या लिख दिया, ए यूनियन सी। अब जो बी और सी के बीच में इंटरसेक्शन लगा है इनके बीच में लगा दूंगा, बस ये काम करना है, यही बंटन है अपना। मान लो सेकंड पॉइंट में, इसी का सेकंड पार्ट होता है कि ए इंटरसेक्शन, अब यूनियन के, यूनियन से बाहर, अब इंटरसेक्शन बाहर हो और बी यूनियन सी लिखा हो, तो अब इसमें क्या करूंगा बेटा, इंटरसेक्शन को बांटूंगा, अभी किस में बांटा था, यूनियन को बांटा था, अब इंटरसेक्शन को, इंटरसेक्शन जो है बी के साथ भी आएगा और सी के साथ, जो वहां पे काम किया था, यहां पे करूंगा ए इंटरसेक्शन बी, फिर ए इंटरसेक्शन सी, अब इसमें क्या लगाते हैं इनके यूनियन, तो यहां पे क्या लगा दूंगा बेटा, यूनियन। अब देखो इनमें से किसी एक को मैं सिद्ध करके आपको दिखाता हूं वेन आरेख से, वेन डायग्राम से, तो देखना आप यहां पर इसी को करता हूं, इसका लेफ्ट हैंड क्या है बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दिया हुआ है। तो आपको तीन सेट लेने पड़ेंगे, एक रेक्टेंगल ले लिया बेटा, रेक्टेंगल में तीन ले लिया, बनाना ऐसा है कि ए और बी में कॉमन मिले, बी और सी में कॉमन मिले और तीनों में कॉमन मिले, तो मैं ऐसे हमेशा बनाना है। मैंने मतलब बताया जो ब्रेकर्स है उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी और सी को क्या करना है बेटा, कॉमन लेना है, तो बी और सी में देखो, देखना यहां तक बी आ रहा है, यहां तक सी, ये पूरा कॉमन मिल गया बी और सी, तुमने यहां पर क्या किया हुआ है, बी क्या किया बेटा, बी इंटरसेक्शन सी क्या है,
अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी कर दूंगा। अब हमें क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी और ए के साथ क्या लेना, यूनियन लूंगा। तो देखना क्या मिलेगा, यहां पर आ जाओ तो यहां मिल जाएगा आपको, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, फिर ऐसे मिलेगा। ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया सी हो गया। अब देखो ये तो यहां पर है और यूनियन लेना है सी के ए के साथ, तो मतलब पूरा ए आएगा और ये भाग आएगा। तो देखो ए यहां तक आया हुआ है, तो मतलब पूरा ए ले लो, पूरा ए अपन लेना है तो ले लेते हैं। ये मैंने ले लिया, पूरे ए को ले लो, ए ले लिया। अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन सी का जो बचा हुआ पोर्शन ये है, इसको ले लिया, ये मिल गया। इस टाइप का आपको डायग्राम दिख गया। ये क्या लिखल गया, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं बेटा, क्या आता है बेटा, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो आपके पास कोष्टक है, ये हो गया, दो कोष्टक है। देखो तो ए यूनियन बी क्या है बेटा, ए यूनियन बी। तो आप ए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर बी हो गया, यहाँ पर सी, ए यूनियन बी कर लो तो ए पूरा ए और पूरा बी आएगा, ए यूनियन बी, ये ले लिया। और इसके बाद एक कोष्टक और लगा देता हूं यहां पर, फिर क्या, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। तो आपको ए यूनियन सी मतलब ए के सारे और सी के सारे आने हैं। फिर इनके बीच में क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन क्या लेना है, देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन सी, इनके बीच में क्या लगा हुआ, इंटरसेक्शन ले लिया। अब इन दोनों में कॉमन, अब ये चित्र है थोड़ा सा अजीब सा, देखते हैं कॉमन क्या मिलता है। तो ध्यान से देखो, दोनों चित्र में ए तो दोनों में आ रहा है, तो मतलब ए कॉमन आ गया। यहाँ पर देखो बी का तो आ रहा है, बी का यहाँ, तो बेटा इसको देखना है इन दोनों में अपने पास कॉमन क्या मिल रहा है। अब इसको देखते हैं बेटा, देखो तो कॉमन सा जो मुझे दिख रहा है आपको देखना है, ये ए वाला पोर्शन और ये दोनों कॉमन है, ए और ये कॉमन है, इसके बाद ए और ए कॉमन है, और इसमें आपको ए भी कॉमन है, इन दोनों में भी ये वाला कॉमन है। यहाँ पर इसमें तो ये तो है लेकिन ये नहीं है, तो इसके ऊपर का भाग तो हमें मिलने वाला नहीं है। और देखो सी में जो मिला हुआ है नीचे का पार्ट, इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या मिल रहा है बेटा, देखना ध्यान से, तो आपको मिल गया, ऐसे बना दिया मैंने, तो ए तो पूरा आ रहा है, ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, ए पूरा दिख रहा होगा, ये पूरा ए और ए, ए तो पूरा आ गया, तो इसको मैं ले ले रहा हूं अपने आंसर में, ए आ गया। फिर ये जो था सी, सी के साथ ये वाला पोर्शन आया हुआ है, आया है, इसको ले लेते हैं सी को। इसके बाद क्या आया बेटा, फिर आया था ए आ गया, ए आ गया, इन दोनों में कॉमन आ गया। अब शायद कुछ भी नहीं आ रहा है, और कुछ भी नहीं आ रहा है, तो देखो ये दोनों एक ही दिख रहे हैं, ये दिख गया दोनों में कॉमन, सी का ये दिख गया, तीनों में कॉमन ये दिख गया, ठीक है बेटा। तो ऐसे ही वेन डायग्राम से अपन सिद्ध करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो इसका जल्दी से मैं सेकंड वाले पार्ट को बता देता हूं, ये आपको देखना पड़ेगा बना बनाकर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट जो अपने पास है, इसको सिद्ध करके देखते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर में आपको ये प्रूव करना है। अब देखते हैं ये कैसे करेंगे इसको। तो अपने पास जो है लेफ्ट हैंड साइड में बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है बेटा, देखो ध्यान से, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी यहां पे बनाऊंगा, यहां पर नहीं बनाता हूं। आप देखो क्या लेफ्ट हैंड साइड में, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अपन पहले नंबर पे क्या बनाएंगे, इस ब्रेकर्स को सॉल्व करेंगे। ए क्या है बेटा, बी यूनियन सी। अपन जब यहां बनाने जा रहा हूं, ए को तो छोड़ दो, ये हो गया, तीनों को बना लेते हैं, ए बी सी हमने बना लिया। अब बोला बी यूनियन सी, तो बी और सी को क्या कर देना है, मिला देना है। इस वाले में अपन क्या काम करने जा रहे हैं, बी यूनियन सी, मतलब बी और सी को क्या करना है बेटा, मिलाना है, तो मिला दो बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिला दो, बी तो पूरा आ जाएगा बेटा, बी पूरा आ गया और सी भी आ रहा है, इसको भी ले लो, अपन हमने ले लिया, ये हो गया बस, बी यूनियन सी, बी और सी को पूरा ही लेना था, हमने ले लिया। अब आके जब चलूंगा तो आपको क्या करना है, ए
इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये काम करना था। तो अपने पास अब जो आएगा इसको यूं यूं ऐसे बना लो, यहाँ पर कोने में ए बी सी लिख दो, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी, तो ए के साथ जो आ रहा है उसको लिख लो, कॉमन दोनों में दिख रहा हो तो कॉमन दिख रहा है क्या, ये यहां तक है, एक तो ये पोर्शन आया है, एक ये आया हुआ है, एक ये आया हुआ है, तीन अपने पास आ रहे, देखो देखना ध्यान से, ये आया हुआ है, सेकेंड वाला ये आया हुआ है, और इसके बाद ये आया हुआ है, बस आराम आराम से बनाओगे तो गलत होने के चांस है ही नहीं, ठीक है। अब बनाते हैं राइट हैंड साइड को, क्या बनाते हैं बेटा, राइट हैंड साइड को, तो राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले नंबर पर मैं बना रहा हूं ए इंटरसेक्शन सी, क्या बना रहा हूं बेटा, ए इंटरसेक्शन सी, इस वाले में मेरी कहानी जो चलेगी वो ए इंटरसेक्शन सी, ए बी सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन उठा लो, देखो ए और सी में कॉमन क्या मिल गया, ये मिल रहा है, ए तो मिल रहा है, ए और सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बी के साथ मिला, बस इतना ही आया था, ए और सी में यही तो कॉमन दिखा हुआ, बीच में लगा हुआ यूनियन, मैं लगा दूंगा यहाँ पे यूनियन, फिर यहां पर अब आपको बनाना होगा बेटा, इसको अच्छे से बनाया जाए जो क्लियरली दिखेगा आपको, ये बना दिया, अब आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पर मैंने ए इंटरसेक्शन सी निकाला, कोई बात नहीं, अब ए इंटरसेक्शन बी लेना है, मतलब ए और बी में कॉमन, देखो ए और बी का कॉमन तो अपन को हमेशा दिखता है, ये हो गया, अब आपको क्या करना है, बस इन्हीं दो ब्रैकेट जो लगाया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन में ए इंटरसेक्शन सी, ये तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, अब अपन यूनियन ले रहे हैं, अब क्या करना है, इन दोनों को मिला देना है, तो देखो हो क्या रहा है, ए और सी का कॉमन मिला देना, अपन पहले यहाँ पर बना लें, यहाँ पर जब बनाऊंगा बेटा, ये तो ए बन गया, ए बी बन गया, ए बन गया सी, यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे सी, जब ए वो, अब क्या करना है, इन दोनों ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी का यूनियन करना, अब क्या कर देना बेटा, आपको यूनियन कर देना, यूनियन मतलब जो मिला है उसको मिला दो, एक तो ये वाला पोर्शन मिला हुआ है, एक ऊपर का मिला है, इधर का नहीं मिला, देखो इधर ये भी नहीं है, इधर भी नहीं है, बस केवल अपने को इसमें देखो ये ए और सी का ले लेना है, देखो अपने क्या करना है बेटा, ए और सी को ले लेना, मैं ऐसे ले ले रहा हूँ, यहाँ पर देखो ए और सी को ले रहा, यूनियन करना है, फिर क्या लेना, ए और बी का ले लेना है, इसमें क्या लेना है, ए और सी को मैंने ले लिया वहां पर, अब इसमें क्या लेना है, ए और बी को, तो ए और बी को ले लो, तो ए और बी को ले लो, बस ये क्या दोनों बराबर है, देखो ध्यान से, तो दोनों एक ही जैसा दिख रहा है, ए है, इसे इसे क्या करते हैं अपन वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं किसी भी प्रॉपर्टीज को, किसी भी प्रॉपर्टीज को अपन किसे प्रूव किया बेटा, वेन डायग्राम से। अब लास्ट के एक दो टॉपिक और है अपने पास, बस एक डी मॉर्गन लॉ है, अब कुछ एक प्रॉपर्टीज और है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। आपको क्या करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको देखते जाओ, समझते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ, फिर जब मैं सेट्स कंप्लीट कर लूंगा तब मैं आपको इसके जेई लेवल के क्वेश्चन अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं बताऊंगा, उसमें एक आध कॉन्सेप्ट और बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है बेटा, बाय बाय।